अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ मैंने हानिया को रेडी कर दिया है और हानिया को मैंने कंप्लीट रेडी करके सुला दिया है। और मेरी कोशिश यही होती है कि कभी हमें जब बाहर जाना हो तो मैं हानिया को सुला के खुद रेडी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं सो रही होती तो फिर इसको साथ लेके जो है वो रेडी होना पड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर तंग करती है। इसे गोद में लेके खुद तैयार होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, बच्चों के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। आज ये सो गई हैं तो चले हम आराम से तैयार हो जाएंगे। और ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये खजूरें हैं और इनको उन्होंने इतना अच्छी तरीके से जो है वो डेकोर किया हुआ है और इतने मज़े की ये लग रही थी कि हमदान खजूरें नहीं खाते और हमदान ने यहाँ खजूर खा ली लॉलीपॉप समझ के। तो एक अच्छा आइडिया है बच्चों को खजूर खिलाने का। और हम आए हैं लाल किला और यहाँ अफ्तारी भी है और अफ्तारी के बाद डिनर भी है। और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को 6 साल हो गए हैं, तो रमज़ान में पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ है कि मेरी एनिवर्सरी रमज़ान में आई है। तो सब ने यही कहा कि अब अफ्तारी बाहर कर लेते हैं और साथ में डिनर भी हो जाएगा, तो सब ने जो है वो लाल किला डिसाइड किया और हम आ गए लाल किला। तो ये आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा सा जो है इन्होंने पूरा मैनेजमेंट की हुई है और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ चीज़ें अफ्तारी की नज़र। तुमने शरबत पीना भी शुरू कर दिया। हाँ, ये क्या बात हुई? सबके लिए क्या क्या चीज है? यही सब चीज है। और क्या क्या है? चटपटे में लाओ ना सब। जी जी जी, विंग्स हैं, समोसे, रोल, पकोड़े। ओ, इतनी सारी चीजें एक साथ। पकोड़े बहुत सारे हो गए, बहुत हो गए यार। चाट लाओ, चाट फूड चाट है, लेकर आओ ना फूड चाट। और ये मैं बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा और बहुत ज्यादा परेशान हो रही सब अलग अलग पकोड़े इतने सारे लेकर आ गए। तो यहाँ हम बहुत अच्छी सी इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने चले गए थे और उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुई वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हुस्न है अकबर के नौरत्न की तरह, तो फिर खूबसूरत है तू परियों की अंजुमन की तरह। दानियल बेग तुम्हें आज इसलिए गौर से बार बार देख रहे हैं दुल्हन, आज की तरह ये अंदाज बिल्कुल नई नवेली पहना है ना दुपट्टा, इसलिए पहना है ऐसे में खतरनाक। Congratulations on your anniversary, happy anniversary. Hamdan, clapping karo. Unko de do. Chal. तो ये
थी छोटी सी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो हमने शेयर की, और मैंने बहुत ज़्यादा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि रमज़ान के महीना है तो इतना अच्छा नहीं लगता कि इतना ओवर, बस एक खुशी का दिन था उसको इस तरीके से शेयर कर लिया गया। और मैंने अपने हस्बैंड को जो गिफ्ट दिया वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को चेन्स और मतलब रिंग्स और ब्रेसलेट इस तरह की चीज़ें पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो भाई मैं गोल्ड तो मैं नहीं दे सकती थी तो ये मैंने चांदनी की चेन जो है वो बनवाई और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अभी मेरे हस्बैंड जो वो चेन पहने हुए हैं और हाथ में रिंग आपको नज़र आ रही होगी और ब्रेसलेट भी नज़र आ रहा होगा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो उनको मेरा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने चांदनी की चेन बनवाई और चांदनी की मैंने रिंग बनाई और मेरे हस्बैंड को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई। और मैं जब अम्मी के घर गई भी थी तो मैंने चुपचाप ये गिफ्ट्स ले लिए थे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम बहुत चालाक हो, ये तुमने कब चुपचाप सब चीज़ें ले ली पता ही नहीं चला। तो ये हस्बैंड जो है, मैंने बोला आप पहन के तो दिखाएं कि कैसी लग रही है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो पहन के दिखा रहे हैं। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। और ये बहुत छोटी सी शेयरिंग थी जो मैं काफ़ी दिन से शेयर करना चाह रही थी बट मसरूफियात की वजह से कर नहीं पा रही थी। तो बस ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोग घर आ गए थे और हम लोगों ने इतना खा लिया था कि बस पेट फुल हो गया, क्योंकि जो है अफ्तारी में इतनी चीज़ें थी और उसके बाद दोबारा जो है वो रात को वहाँ पर फिर खाने में इतना, सबसे डिनर में कुछ इतना ज़्यादा खाया नहीं गया। तो ये नेक्स्ट डे जो है मैं कीमा वगैरह बना रही हूँ सहरी के लिए। तो ये देखिए हम दान खेल रहे हैं और हानिया की खुशियाँ चेक करें, खट्टे चेक करें हानिया की। आनिया कंगीज कैसे फट गई तुम्हारी, मैंने अभी देखी है। ओए ओए पागल, हमने थोड़ा पंखे में गया, उठाओ सारा, तुमने इतनी जोर से छाला पंखे में लगा है उसका सारा रूआ निकला है। देखो क्या हुआ है, रखो इसको अंदर, उछालते थोड़ी है, सिर्फ इससे फाइटिंग करते हैं, खेलते हैं नॉर्मल, बॉक्सिंग करते हैं, ये थोड़ी कि इसको उछाल रहे हो, कोई बलून थोड़ी है। चलो जाओ लगाओ वहां पे जाके, और अब नहीं उछालना इसे, नहीं ना हमदान पूरा पता है पंखा खराब हो जाएगा जी। आनिया बहुत हंसी आ रही है, सब क्या कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक देख के मम्मा मुझे भी चाहिए, तो आपके घर से थोड़ी लेके जाएंगे, अपने घर में मंगवाएंगे। चलो जल्दी से खाओ, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ते हैं क्या, जोर से पढ़ के सुनाओ सबको। Yes, okay.